अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज के अपने इस फिजिक्स के लेक्चर में हम लोगों ने बात करनी है फोर्स एंड मोमेंटम की। तो बच्चों हम लोग जानने वाले हैं कि फोर्स और मोमेंटम के दरमियान क्या रिलेशन बनता है, यानी क्या ताल्लुक बनता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने वाले हैं अपने आज के फिजिक्स के लेक्चर में। अगर बच्चों आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल के बटन पर क्लिक कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग ऐसा कर पाते हो तो ये वीडियो ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएगी। अब बच्चों जान लेते हैं कि फोर्स एंड मोमेंटम में क्या रिलेशन है। जिस तरह से बच्चों हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन कर चुके हैं कि व्हाट इज मेंट बाय फोर्स, व्हाट इज मेंट बाय मोमेंटम, यानी फोर्स क्या होती है, मोमेंटम क्या होती है। तो हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में ये बात कर चुके हैं कि फोर्स किसी जिस्म को मोशन में लाती है या लाने की कोशिश करती है, रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, और उसके बाद किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए बी फोर्स इस्तेमाल होती है। इस सब की सब बातें हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं फोर्स और मोमेंटम में रिलेशन को। तो मोमेंटम और फोर्स में का जो रिलेशन है उसको बयान करने से पहले बच्चों मैं यहाँ पे मोमेंटम वाली जो डेफिनेशन हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर की थी उसको डिफाइन कर देता हूं एक बार फिर कि मोमेंटम जो होता है वो मोशन की मकदार होती है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में उसके मैस और वेलोसिटी की वजह से। तो हम लोग किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के मैस और वेलोसिटी की वजह से जो उसमें मोमेंटम है उसका फोर्स के साथ जो रिलेशन बनता है वो आज इस लेक्चर में जो है अखज करने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो बच्चों मान लो कि ये एक रोड है, ये रोड है और आप लोग इस रोड पे ये बाइसाइकिल जो है ये दौड़ाते हो। तो मान लो कि ये बाइसाइकिल है और इस बाइसाइकिल के ऊपर आप लोग यहाँ पे ये बैठे हो, और बच्चों मान लो कि इस बाइसाइकिल का जो मैस है मैस वो एम है, और जिस वेलोसिटी के साथ ये बाइसाइकिल रोड पर हरकत कर रही है वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई है। तो जैसे ही बच्चों आप लोग अपने पांव की मदद से इन पैडल्स पर, यानी ये पैडल्स जो बने हुए हैं, कोई फोर्स एफ लगाते हो तो इस फोर्स की सीमत में एक्सेलरेशन ए पैदा हो जाता है। तो इस एक्सेलरेशन ए की वजह से इसकी वेलोसिटी जो है ये इनिशियल वेलोसिटी चेंज होकर फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो जाती है। तो लिहाजा यहां पे जो मोशन की मकदार फिर होगी उसको हम लोग बल तरतीब कहेंगे, पी आई यानी इनिशियल मोमेंटम और पी एफ यानी फाइनल मोमेंटम। तो बच्चों बहुत सिंपल है, एक बार फिर इसको समझ लो कि मान लो आपके पास एक बाइसाइकिल है और इस साइकिल का जो मैस है वो एम है, और जिस इनिशियल वेलोसिटी के साथ यानी इब्तदाई वेलोसिटी के साथ ये साइकिल मूव कर रही है, और जैसे ही इस पर कोई फोर्स एफ लगती है तो एक्सेलरेशन ए पैदा हो जाता है। इस एक्सेलरेशन ए की वजह से इस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी इब्तदाई वेलोसिटी है वो तब्दील होकर वी एफ हो जाती है। तो लिहाजा यहाँ पे पी आई और पी एफ जो है वो बलतरतीब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम है। तो बच्चों मोमेंटम वाला जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था तो हमने ये जाना था कि मोमेंटम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के मैस और वेलोसिटी के हासिले जरब के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, अगर हम लोग इनिशियल मोमेंटम फाइंड करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम पी आई इज इक्वल टू एम वी आई यानी एम टाइम इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इब्तदाई मोमेंटम है यानी इनिशियल मोमेंटम है। अब जो हम लोग फाइंड करने वाले हैं फाइनल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम जो है पी एफ इज इक्वल टू एम वी एफ होगा। तो बच्चों अब देखो यहां पे अब हमने क्या करना है, मोमेंटम में तब्दीली फाइंड करनी है। अब बच्चों मोमेंटम में तब्दीली कुछ इस तरह से ही है कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई मेहमान आए हैं और आपकी जेब में पहले से ही 50 रुपीज हैं, लेकिन मेहमान खाना खाने के बाद जाते हैं
तो आपकी जेब में कुछ पैसे जो है वो डाल जाते हैं। तो जैसे ही मेहमान आपके घर से जाते हैं तो आप लोग फौरन क्या करते हो, उन पैसों को निकाल के आप लोग काउंट करते हो, यानी गिनते हो। तो मान लें कि जब आपने उन पैसों को निकाल के गिना तो 50 आपके पास पहले थे, लेकिन सभी पैसों को जब आपने गिना कि आपके पास कितने पैसे हैं, आप लोग ये जानना चाहते हो कि आपकी जेब में कितने पैसों की चेंजिंग हुई है जो कि आप लोगों को मेहमान आपके घर में देकर गए हैं। तो फिर आप लोग क्या करोगे, उनको काउंट करोगे। तो मान लो कि आप लोग गिनते हो तो वो 150 हो जाते हैं। तो बताओ बच्चों, आप लोगों को मेहमान कितने पैसे लेके गए हैं, या फिर आपकी जेब में पैसों की कितनी तब्दीली आई है। वेरी गुड बच्चों, 100 रुपए की तब्दीली आई है। तो आप लोगों ने कैसे इसको आप लोगों ने मालूम किया है, यानी आप लोगों के पास जो टोटल 150 हुए थे मेहमानों के देने से, और जो पहले आपके पास 50 थे वो आपने उसमें से क्या किए हैं, निकाल दिए हैं। तो ये पैसों की तब्दीली हुई है आपकी जेब में और मेहमानों के देने से हुई है। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि जब इस मूविंग ऑब्जेक्ट पर जो कि इनिशियल वेलोसिटी vi से हरकत कर रहा था ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो फोर्स F लगती है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो तब्दील हो जाती है, और इस तब्दीली की वजह से, वेलोसिटी में तब्दीली की वजह से जो मोमेंटम में तब्दीली आई है वो हम लोगों ने मालूम करनी है, यानी हम लोगों ने जानना है चेंज इन मोमेंटम। तो बच्चों चेंज इन मोमेंटम जो है वो इज इक्वल टू होगा जो फाइनल मोमेंटम है, यानी फाइनल मोमेंटम है Pf, उसमें से हम लोग इनिशियल मोमेंटम जो है वो निकाल देंगे। जिस तरह से पैसों वाले एग्जांपल में हमने जो टोटल हमारे पास पैसे हुए थे उसमें से जो हमारे पास शुरू वाले पैसे थे हमारी जेब में वो निकाले थे, ऐसे ही हम लोग फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम निकाल देंगे। अब इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम है MvF और इनिशियल मोमेंटम है MvI। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, वेरी गुड, ये M जो है वो कॉमन आ रहा है इसमें से, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Pf - Pi इज इक्वल टू M * Vf - Vi। अब उसके बाद बच्चों हम लोगों ने मालूम करना है मोमेंटम में तब्दीली की शरह, यानी फी सेकंड में जो मोमेंटम में तब्दीली आई है उसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखो बच्चों मोमेंटम में जो फी सेकंड तब्दीली आई है उसको मालूम करने के लिए हमको टाइम पर डिवाइड करना पड़ेगा उस वाले टाइम पर जितना टाइम लगा था इनिशियल वेलोसिटी vi से vf में तब्दीली के दौरान, उस टाइम पर हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम में तब्दीली जो है उसको डिवाइड कर देंगे, तो मोमेंटम में तब्दीली की शरह जो है वो निकल आएगी। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग फिर ऐसे लिखेंगे कि मोमेंटम में तब्दीली, ये मोमेंटम में तब्दीली अपॉन टाइम इज इक्वल टू एम इंटू vf - vi अपॉन टी। अब बच्चों यहाँ पे याद करो, आप लोगों ने पढ़ा था अपने प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें बात की थी एक्सेलरेशन की, और हम लोगों ने जाना था कि वेलोसिटी में जो तब्दीली की शरह होती है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है vf - vi अपॉन टी। अब बच्चों यहाँ पे देखो vf - vi अपॉन टी, यानी ये वाला, इसकी जगह पे हम लोग एक्सेलरेशन a जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मोमेंटम है तब्दीली की शरह, यानी Pf - Pi अपॉन T इज इक्वल टू ma। अब जो याद करें न्यूटन का सेकंड लॉ, जो कि हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी किसी जिस्म पर कोई फोर्स लगती है तो उस फोर्स की सिमत में एक्सेलरेशन पैदा होता है, और उस एक्सेलरेशन की मकदार जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, हमने एंड पे इक्वेशन भी अखज की थी कि F इज इक्वल टू एम ए के, तो इसकी जगह पे हम लोग, यानी ये जानते हैं न्यूटन के सेकंड कानून के मुताबिक, तो एम ए की जगह पे हम लोग F लिख सकते हैं। अब ये मोमेंटम में तब्दीली की शरह जो है वो इज इक्वल टू F
अभी ये जो मसावात है बच्चों, ये मोमेंटम में जो तब्दीली की शरह है और फोर्स के दरमियान जो है ये रिलेशन है, यानी फोर्स और मोमेंटम के दरमियान क्या है, ये रिलेशन है। अब बच्चों हम लोग ऐसे भी इसको बयान कर सकते हैं कि मोमेंटम में तब्दीली की शरह उस फोर्स के बराबर होती है जो किसी जिस्म पर अमल करती है। अब बच्चों यहां पर इस एग्जाम्पल में जो मोमेंटम में तब्दीली आएगी वो उस फोर्स के इक्वल होगी जो जो इस जिस्म पर अमल कर रही है, और आप लोग लिखोगे F इज इक्वल टू मोमेंटम में तब्दीली की शरह। अब जो हम लोग एक प्रॉब्लम को हल करने वाले हैं, यानी देखो मान लो कि एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और मैं ऑब्जेक्ट जो है वो साइकिल ही ड्रा कर रहा हूँ, और साइकिल इसलिए ड्रा कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ये ऑब्जेक्ट अक्सर जो है वो देखा है रोड पे और आप लोगों ने ये ऑब्जेक्ट इस्तेमाल भी किया होगा। तो मान लें कि ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों इसका मैस जो है वो 5 kg है, यानी मैस जो है वो है 5 kg, और जिस वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है, यानी यहां से जो वेलोसिटी इसने मूव कर रहा है ये वो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और वो है 10 meter per second। तो कहता है कि इस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, यानी इस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए इस मूविंग ऑब्जेक्ट को कितनी फोर्स की जरूरत होगी, इस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए कितनी फोर्स की जरूरत होगी, कितने वक्त में, 2 सेकंड में, यानी 2 सेकंड के अंदर इस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए हमको कितनी फोर्स की जरूरत होगी, तो ये बच्चों हमने जानना है। अब देखो जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगी, अगर वो 2 सेकंड में रुक जाता है, पहले मूव कर रहा था, अगर वो रुक जाता है तो फिर उसका उसका जो तो फिर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी vf वो 0 हो जाती है। ये बच्चों याद आपने बात रख लेनी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो, और जब कुछ वक्त के बाद ऑब्जेक्ट रुक जाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब बच्चों हम ये लिख लेते हैं यहाँ पे जो भी पैरामीटर गिवन है, यानी मैस गिवन है 5 kg, फोर्स तो हमने फाइंड करनी है, उसके बाद टाइम गिवन है 2 सेकंड, उसके बाद जो इनिशियल वेलोसिटी है vi वो 10 meter per second है, और फाइनल वेलोसिटी vf जो है वो 0 meter per second है। अब जो हम लोग यहाँ पे ये फोर्स जो है जो कि ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए इस्तेमाल होगी, इसको हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, और हम लोग इस बात को जानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए जो फोर्स अमल करेगी इस मूविंग ऑब्जेक्ट पर वो इज इक्वल टू होगी मोमेंटम में तब्दीली की शरह के, वो इज इक्वल टू होगी मोमेंटम में तब्दीली की शरह के। अब बच्चों इस बात का भी हमको पता है कि फाइनल मोमेंटम जो है mvf और जो इनिशियल मोमेंटम है mvi उसके बाद अपॉन टी। अब देखो बच्चों यहां से हम लोग m को कॉमन निकाल लेंगे, और m जब कॉमन आ जाएगा तो vf - vi अपॉन टी। अब जो यहां पे देखो कि m की कीमत हमारे पास गिवन है और वो है 5 kg, m की कीमत है 5 kg। अब जो यहां पे देखो जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, वो 0 है, तो यहां पे 0 दर्ज कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी देखो बच्चों क्या है, 10, तो यहां पे हम लोग 10 लगाएंगे। उसके बाद टाइम देखो बच्चों क्या है, 2 सेकंड, तो हम लोग यहाँ पे 2 लगा देंगे। उसके बाद बच्चों इसको मोर सिंपलीफाई हम लोग करेंगे तो देखो कि यहाँ पे आ जाएगा 5 - -10/2। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो -5, और यहाँ पे आ जाएगा -25 newton। अब बच्चों ये -25 newton का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसको रोकने के लिए हमको जो फोर्स लगाना पड़ेगी वो इसकी मुखालिफ सिमत में लगाना पड़ेगी। आई होप बच्चों आप लोग अच्छे से जान चुके हो फोर्स और मोमेंटम में ताल्लुक। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आने वाले अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो
आने वाले अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून को और उसकी एप्लीकेशन को, और वो लेक्चर आप लोगों को उसी वक्त मिलने वाला है जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और बेल के बटन पर क्लिक कर दोगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखो, बाय बाय।